हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बाय टाइटल आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ सावन स्पेशल ग्रीन साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैंने मीशो से मंगाया हुआ है। एट द सेम टाइम में काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। सावन स्टार्ट हो गया है, सावन में हर किसी को ग्रीन साड़ियाँ पहनना पसंद होता है। सो इसीलिए मैंने 15 साड़ियों की शॉपिंग की हुई है मीशो से। एक वीडियो में आप लोगों के साथ 5 साड़ी दिखाती हूँ, तो 5, 10, 15 वीडियोज आने वाली है। पार्ट वन है। पार्ट टू में आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी दिखाने वाली हूँ, जो कि आप पार्टी या फिर शादी वगैरह में पहन सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं जो साड़ी दिखाने वाली हूँ, ये काफी सिंपल एंड सोवर है, तो इसे आप घर पे भी पहन सकते हो, कहीं पहन के आ भी सकते हो और अफोर्डेबल भी है। आज के इस वीडियो की साड़ी है, सभी सस्ती है। तो ज्यादा बातें ना करते, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट साड़ी, जो कि काफी खूबसूरत कलर में है, मेहंदी एंड इसमें दो कलर ऑप्शन है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसका जो ब्लाउज है ये है कुछ इस तरीके से, मैंने स्टिच नहीं कराया हुआ है, मैंने दूसरा ब्लाउज पहना हुआ है। सो एक काम करते हैं, हम साइड में आ जाते हैं, इस साइड में लुक लगा देते हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि ये साड़ी पहनने पे कैसी लग रही है। जो इसका फैब्रिक है वो है जॉर्जेट का, स्क्रीन पे आप देख लीजिए इतने कम प्राइस में ये साड़ी है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है पहनने में। और यहाँ पर ना फेक मिरर वर्क हो रखा है, जो कि बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। आप देख ही सकते हो सिंपल एंड सोवर साड़ी है। जैसे कि मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में सिंपल एंड सोवर साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो, फटाक से लाइक करो, कमेंट करके बताना पूरा वीडियो देखने के बाद कि सबसे ज्यादा अच्छी साड़ी कौन सी है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड साड़ी की तरफ, जो कि जॉर्जेट फैब्रिक में है एंड सीक्वेंस वर्क हो रखा है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसका जो ब्लाउज है वो है गोल्डन और सीक्वेंस वर्क हो रखा है रेशम के धागे से। इस साइड में मैं पूरा लुक लगा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी साड़ी है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ, क्योंकि इसे पहनने के बाद जो लुक आने वाला है ना, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी साड़ी है ये। सो ये है हमारी सेकंड साड़ी, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। देखिए यार, सारी साड़ियां मेरी पसंद की हैं, तो मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें मेरे पास तीन साड़ी है, एक ब्लू कलर है और एक कोई और कलर है आप लोग के साथ शेयर किया था, और एक ये है ग्रीन कलर। इसका जो ब्लाउज है रेड कलर में है, इसको जब मैं घर गई थी ना तो मैंने पहना हुआ था, ब्लाउज मैंने दूसरा पहना हुआ था। इसका ब्लाउज कुछ इस तरीके से मिलता है आपको, तो इस साइड में मैं पूरा लुक लगा रही हूँ। अब मैं थोड़ी देर आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि बात नहीं करूंगी तो पूरा लुक आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि आप तो बस ऐसे ऐसे दिखा के चली जाती हो। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं साड़ी कम दिखाती हूँ, कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं काम कम करती हूँ बातें ज्यादा करती हूँ। सो अगर मैं बातें ज्यादा नहीं करूंगी तो लुक नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि जितना मैं बात करूंगी उतना ही इस साइड स्क्रीन में लुक चलता रहेगा। अभी आप लोग समझ लीजिए। सो बात पे ही डिपेंड करता है कि हम साड़ी आपको कितना दिखा रहे हैं। तो ये वाली साड़ी हम पहने थे कहाँ, मैहर देवी पहन के गए थे, ठीक है, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। अब सोच लीजिए मैं मैहर पहन के गई थी, इट मीन्स कि इसका कपड़ा ना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, एकदम यू नो बहुत ही अच्छा लुक देता है, सिंपल है, स्किन पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ पहने हैं चुभन हो रही है। मुझे तो भाई अगर साड़ियों में जैसे इसमें सिक्वेंस लगा हुआ है ना साड़ी में, आप देखिए तो कई ऐसे सिक्वेंस होते हैं जो चुभते हैं, बट इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी की तरफ, जो कि है कुछ इस तरीके से, लहरिया साड़ी है और इसमें ना बॉर्डर लगा हुआ है सीक्वेंस वर्क का। अभी मैंने इसको पहना नहीं हुआ है, सो पता नहीं मैं इसको कैसे स्टाइल करूंगी, मुझे आइडिया नहीं है। आप इस साइड में देख लीजिए, जैसे भी स्टाइल करूंगी आप लोगों को दिखा ही दूंगी। तो इसमें काफी सारे कलर ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप वही साड़ी ले। मैं तो सावन स्पेशल दिखा रही हूँ, इसीलिए जो है आपको सारी साड़ियां ग्रीन 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 देखने को मिल रही है। आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बैकग्राउंड कैसा लग रहा है ये भी बता दीजिएगा। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मैंने कुछ इस तरीके से, एक्चुअल पिक्चर तो उनको दूसरी दी हुई थी बट उन्होंने ऐसे पता नहीं क्या बना दिया, बट चलो जो भी बना दिया, मैंने कहा चलो इसमें एक दो वीडियो बना लेते हैं, पैसा वसूल हो जाए कम से कम, इतना पैसा दे के सजवाए थे। तो अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट साड़ी की तरफ। ऐसे ही मैंने कलर चेंज करके एक मरून कलर की साड़ी मंगाई हुई है, आप लोगों को याद होगा करवा चौथ मैंने शेयर किया हुआ था। इसका फैब्रिक मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा ना कि मैंने ग्रीन कलर मंगा लिया। इसमें काफी सारे कलर ऑप्शन है, ग्रीन में भी ना
दो तीन ग्रीन ऐसे हैं जो एकदम आई कैची हैं, तो आप चाहें तो वो कलर मंगा सकते हैं। कपड़ा आप देख लीजिए, हाथ में ले लेंगे, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये भी साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब साइड में मैं इसका भी लुक लगा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि पहनने पे ये साड़ी कैसी लग रही है। और अब हाँ, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक करो, कमेंट करो। और लुक तो आपने सभी का देख ही लिया, तो सबसे ज़्यादा अच्छी मैं किस साड़ी में लग रही हूँ ये भी बता देना। मुझे कुछ समझ नहीं आता हेयर स्टाइल में, तो मैं ऐसे ही पफ बना लेती हूँ। और ये हेयर स्टाइल देख देख के मैं बोर हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ और तो आता नहीं है। सो फिर इस हेयर स्टाइल में मैं कैसी लग रही हूँ बताना। ये मेरा बोले तो सिग्नेचर हेयर स्टाइल हो गया है, क्योंकि आप अधिकांश मुझे ऐसी हेयर स्टाइल में देखते हो ना। सो अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इन सभी साड़ियों का लिंक डिस्क्रिप्शन, कॉमेंट एंड कम्युनिटी में लगा दिया है, तो आप कहीं से भी जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय।